हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो डेली करंट अफेयर क्वेश्चन सेशन में आप सभी का स्वागत है। एज ऑलवेज बिफोर स्टार्टिंग आवर वीडियो, आई जस्ट रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू गाइज टू प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड क्लिक ऑन अ बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट वीडियो अपडेट। सो डेली करंट अफेयर क्वेश्चन सेशन को हम कंटिन्यू करेंगे। आज कोई हमारे पास थॉट नहीं है, आपका सक्सेस का एक गुप्त सूत्र हमको आज मिला। ठीक है, आप अपने सक्सेस के पास कैसे जाते हो, कैसे आप अपना सक्सेस अचीव करते हो। ठीक है, हर किसी को अपना सक्सेस मिलता है, लेकिन कोई होता है कि अलग पाथ में चला जाता है, कोई होता है कि उसी पाथ में कंटिन्यू चलता जाता है और वन डे ही गेट सक्सेस। ओके, सो उसका मैं आपको आज एक गुप्त सूत्र बताऊंगा। ठीक है, सो वीडियो कंटिन्यू करने से पहले उसको मैं बता देता हूं, उसके बाद वीडियो को मैं कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, आप किसी एक गोल को चूज करते हो, उसके बारे में आप बहुत सोचते हो शुरू में कि अरे यार मैं इसको करूं कि नहीं करूं। ठीक है, उसके बाद आप कुछ कुछ आइडियाज उससे रिलेटेड क्रिएट करने लगते हो अपने दिमाग में। आप फिर उसके बाद पता है क्या करोगे, एक बार ट्राई करके देखोगे यार चलो एक बार करने में क्या आ जाता है। उसको ट्राई करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ यू कैन डू दिस, ये आप कर सकते हो, आपके अंदर ये भी हुनर है। ठीक है, फिर उसको आप करोगे एक बार और, फिर अगेन एक बार और करोगे, फिर एक बार और करोगे और उसको करते रहोगे। ठीक है, कहीं गलती होगी कहीं सीखोगे, कहीं गलती होगी कहीं सीखोगे, और अचानक आपको एक दिन क्या होगी वो क्लियर हो जाएगा, आपको सक्सेस अपनी लाइफ में मिल जाएगी। ठीक है, सो इसका मतलब क्या हुआ कि आप अपने जो सक्सेस है, आपका जो मेन गोल है, उससे क्या करना है, उससे भागना नहीं है, उसके पीछे आप लगे रहो कड़ी मेहनत। ठीक है, मेहनत के साथ आप उसको करते रहो, यू विल सी दैट गाइज दैट यू विल अचीव सक्सेस। ठीक है, आपको अचीव सक्सेस, पक्का सक्सेस आपको अचीव होगी, यू विल गेट योर गोल। ओके, आपको अपना गोल मिलेगा। ओके, बट कीप डूइंग दैट थिंग, आप कीप अपना प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहिए। आपने एक स्लोगन सुना होगा, दैट इज प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। ठीक है, आप करते रहिए, सीखते रहिएगा, कुछ गलतियां होंगी, सीखिएगा, जब तक सीखिएगा नहीं तब तक आप आगे तक पढ़ नहीं पाइएगा। ओके, सो इसी थॉट के साथ हम डेली करेंट अफेयर क्वेश्चन सेशन को कंटिन्यू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ, और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। हुनर हाट इज ऑर्गेनाइज बाय विच मिनिस्ट्री हैज रिसीव्ड सिल्वर मेडल एट द इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2021। आप सभी को पता है गाइस, हुनर हाट रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया गया है किसी मिनिस्ट्री के द्वारा, जिसको सिल्वर मेडल मिला है एट इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2021 में। ओके, किस मिनिस्ट्री के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज कराया गया है, मैं ऑप्शन बता देता हूँ। ए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, बी, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज अफेयर, सी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड डी, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट। ओके, इसका आंसर मैं आपको बता दूं गाइस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर के द्वारा इसको क्या किया गया है, ऑर्गेनाइज कराया गया है, जिसको रिसेंटली क्या मिला, सिल्वर मेडल मिला है। एंड इट वॉज ऑर्गेनाइज एट दिल्ली, ये दिल्ली में ऑर्गेनाइज कराया गया था, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इट वॉज ऑर्गेनाइज एट दिल्ली। एंड द हुनर हाट इज अ प्लेटफॉर्म, एक टाइप का प्लेटफॉर्म है जिसको जो विच इज प्रोवाइडेड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज अफेयर। ठीक है, जो कि इसके माइनॉरिटीज अफेयर के मिनिस्ट्री के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था, टू शोकेस द एक्सपर्टाइज ऑफ आर्टिशियन क्राफ्टमैन ऑफ इंडिया। ठीक है, अपना हुनर दिखाने का, हुनर का मतलब हिंदी आप समझ गए होंगे, हुनर मतलब अपना, अपने अंदर की जो कला है उसको दिखाने का इंडिया में। एंड एक्सप्लोर द अपॉर्चुनिटी, आपको जो मौका मिला उसको एक्सप्लोर कीजिए, ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट तक लेके जाइए। अंडर दिस अपग्रेडिंग द स्किल एंड ट्रेनिंग्स इन ट्रेडिशनल आर्ट्स क्राफ्ट फॉर द डेवलपमेंट। ठीक है, इसके अंदर में आपको बहुत सारी ट्रेनिंग्स विल बी प्रोवाइडेड, यू विल गेट ट्रेनिंग, यू विल गेट लॉट ऑफ ट्रेनिंग्स, यू विल गेट द चांस टू अपग्रेड योर स्किल्स। ओके, आपको चांस मिलेगा आपकी अपनी जो स्किल्स है उसको अपग्रेड करने का, एंड टू क्रिएट दैट अपॉर्चुनिटी इनटू एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, आपको अपना अपॉर्चुनिटी भी मिलेगा कि एम्प्लॉयमेंट में उसको क्रिएट कर सके। ठीक है, एंड रिसेंटली अभी ये न्यूज़ में इसलिए था कि 33rd हुनर हाट वॉज ऑर्गेनाइज एट दिल्ली, दिल्ली में अभी 33rd हुनर हाट ऑर्गेनाइज हुआ है, जिसमें सिल्वर मेडल मिला है इसको। ठीक है, इन दिस यस इंडियाज इंटरनेशनल ट्रेड फेयर था 2021 का, जो कि दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था, एंड दिस हुनर हाट गॉट 33rd एंड विच रिसीव द सिल्वर मेडल फॉर स्ट्रेंथनिंग द कमिटमेंट टू द वोकल फॉर लोकल इनिशिएटिव्स। ठीक है, वोकल फॉर लोकल इनिशिएटिव्स के लिए बहुत ही बड़ा ये एक देख सकते हैं आप, उसके लाइन में ये चल रहा है, उसकी फील्ड में ये अटैच होकर चल रहा है। ठीक है, सो आपको याद रखना है, हुनर हाट इज एसोसिएटेड विथ विच मिनिस्ट्री, इट इज एसोसिएटेड विद द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज अफेयर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हु हैज बीन अवार्डेड एज द बेस्ट एक्टर मेल एट ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल। ओके, ब्रिक का फुल फॉर्म आप सबको पता है, ब्रिक्स का
मैं आपको फुल फॉर्म में बताता हूं, ब्राजील, एक मिनट आप लोग लिख लीजिए, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ओके, ये है ब्रिक्स की फुल फॉर्म, आप लिख लीजिए। और रिसेंटली इस फिल्म फेस्टिवल में एक बेस्ट एक्टर को अवार्ड दिया गया है, वो कौन है बताना है। ए, मैं आपको ऑप्शन बताता हूँ, ए अमिताभ बच्चन, बी धनुष, सी राजीव कपूर एंड डी रणबीर कपूर। ओके, ऑप्शन आपके सामने है गाइस, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। आंसर विल बी धनुष। धनुष जी को मिला है एज द बेस्ट एक्टर मेल इन दिस ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल में, इनको ये अवार्ड मिला था। ओके, कुछ मैं आपको फैक्ट बता देता हूँ। तो ये है इंडियन एक्टर धनुष, जिनको अवार्ड दिया गया बेस्ट फीमेल, सॉरी बेस्ट मेल एक्टर का, एट ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल में, जो कि फॉर द रोल इन तमिल मूवी। तमिल मूवी में इनको रोल मिला था एज अ असुरन का, एंड विच वॉज डायरेक्टेड बाई वेत्री मारन। ठीक है, वेत्री मारन के द्वारा इसको, इस फिल्म को डायरेक्टेड किया गया था, और ही गॉट द रोल इन तमिल मूवी असुरन, और ही गॉट द बेस्ट मेल एक्टर अवार्ड इन ब्रिक फिल्म फेस्टिवल। ओके, एंड ही ऑल्सो वॉन द नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर फॉर द सेम मूवी दिस ईयर। ठीक है, इसी साल में उनको सेम मूवी के लिए नेशनल अवार्ड भी दिया गया है, फॉर द बेस्ट एक्टर। ओके, सो आपको याद रखना गाइस, वन ऑफ द फेमस पर्सनैलिटी है ये धनुष जी, हु गॉट द बेस्ट मेल एक्टर अवार्ड इन ब्रिक फिल्म फेस्टिवल। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज वेयर इज द इंडियाज इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल टू बी हेल्ड फ्रॉम दिसंबर 10, 2021। इंडियाज का इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल कहाँ पर हेल्ड हुआ, ठीक है, इस 10 दिसंबर से जो हुआ, 10 दिसंबर से स्टार्ट हुआ था, कहाँ पर ये हुआ है। ओके, मैं आप ऑप्शन बता देता हूँ, ए मुंबई, बी लखनऊ, सी वाराणसी एंड डी गोवा। ओके, इसका आंसर मैं बता दूंगा, इस डी गोवा में इसको कराया गया ऑर्गेनाइज। ठीक है, ये इसका नाम क्या था, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, जो कि 10 दिसंबर 2021 से गोवा में इसको कंडक्ट कराया गया था। ओके, कुछ फैक्ट आपको मैं बता दूं, एंड इट इज बीइंग ऑर्गेनाइज ज्वाइंटली बाय द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। लिख लीजिए गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस साइंस फेस्टिवल इज बीइंग ऑर्गेनाइज ज्वाइंटली बाय द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस एंड एनजीओज विज्ञान भारती। ओके, एंड वुड बी हेल्ड फ्रॉम 10th of December 2021 फॉर 4 days इन गोवा। ओके, 4 दिन तक ये हुआ था, 10 दिसंबर 2021 से 4 दिन तक गोवा में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था, जिसमें वेरियस ज्वाइंटली मिनिस्ट्रीज ऑर्गेनाइज थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस एंड एनजीओ विज्ञान भारती। ओके, दिस 3 मिनिस्ट्रीज ऑर्गेनाइज इन दिस फेस्टिवल। ओके, एंड दिस ईयर फेस्टिवल वुड कंटेन साइंस फिल्म फेस्टिवल, साइंस लिटरेचर फेस्टिवल, ओके, इंजीनियरिंग स्टूडेंट फेस्टिवल एंड विलेज फेस्टिवल। दिस ऑल टाइप्स ऑफ फेस्टिवल्स इंक्लूड इन दिस फेस्टिवल दिस ईयर। ओके, सो यू विल नो दैट दिस इंडियाज इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल हेल्ड इन गोवा फॉर 4 days, 4 दिन के लिए इसको गोवा में ऑर्गेनाइज कराया गया था, फ्रॉम 10th of December 2021। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज विच कंट्री हैज डिलीवर्ड एडवांस हिरॉन ड्रोन्स टू इंडियन आर्म फोर्स। किस कंट्री ने अभी रिसेंटली एडवांस हिरॉन ड्रोन्स प्रोवाइड कराया गया है, इंडियन आर्म फोर्स को। ओके, ऑप्शन आपके सामने गाइस, ए यूएसए, बी इसराइल, सी फ्रांस, डी रशिया। ओके, मैं आपको इसका आंसर बता दूं गाइस, इसका आंसर हो जाएगा इसराइल। इसराइल के द्वारा भी प्रोवाइड करवाया गया है एडवांस हिरॉन ड्रोन को। ओके, जो कि इंडियन आर्म फोर्स को ये मिलने वाला है, एंड इट इज मोर एडवांस दैन द हिरॉन इन द एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री विच बेटर एंटी जैम्पिंग कैपेबिलिटी। ठीक है, बहुत ज्यादा एडवांस टाइप का ये ड्रोन है, जिसमें आपको बहुत ही ज्यादा एंटी जैम्पिंग कैपेबिलिटी देखने को मिलेगी, और ये पहले के जो हिरॉन्स थे उससे बहुत ही ज्यादा एडवांस इसके अंदर फीचर्स है। ठीक है, ये आपको इसमें 500 करोड़ का, आपको देखेंगे कि इसमें 500 करोड़ की बजट आएगी, 500 करोड़ का बजट दिया गया है फ्रॉम द साइड ऑफ मिलिट्री कैपेबिलिटीज के लिए। ठीक है, और द एक्विजिशन ऑफ दिस ड्रोन्स हैज बीन डन अंडर द इमरजेंसी फाइनेंशियल पावर गारंटेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू द डिफेंस फोर्स, अंडर विच दे कैन बाय द इक्विपमेंट एंड सिस्टम वर्थ 500 करोड़ तक वो क्या कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं। इनको दिया गया है एज अ बजट ऑफ 500 करोड़। ओके, सो दिस टाइप ऑफ ड्रोन विच हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द इसराइल, इसराइल के द्वारा ये प्रोवाइड कराया जाएगा टू इंडियन आर्म फोर्स।
ओके नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज विच इंस्टीट्यूशन साइंड अ $250 million लोन विथ इंडिया टू सपोर्ट द नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, किस इंस्टीट्यूशन ने मिलकर इंडिया के साथ $250 million का लोन साइन किया है, किसको सपोर्ट करने के लिए? नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम को सपोर्ट करने के लिए। ओके, ऑप्शन में बता दू आपको गाइज, ए IMF, बी ADB, सी AIIB एंड डी ब्रिक्स बैंक। ओके, इसका आंसर मैं आपको बता दूं तो ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा इसको साइन किया गया विद द इंडियन गवर्नमेंट, विद कोलैबोरेशन अलोंग विद द इंडियन गवर्नमेंट, एंड इन्होंने मिलकर साइन किया कितना, $250 million का लोन किसके लिए, टू सपोर्ट द नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम NICDP। ओके, इसको इनके इसके अंदर में इसको सपोर्ट करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने साइन कर दिया है $250 million का लोन। एंड दिस प्रोग्राम एम्स टू डेवलप वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रियल नोड्स, वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रियल नोड्स डेवलपमेंट की बात की गई है, विच जनरेट हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जहां पर बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगी, आपको रोजगार यहां पर ज्यादा देखने को मिलेगा। ऑफकोर्स बात अगर जानते हैं आप सब लोग ये बात जानते हैं कि जिधर जिस साइड जिस सेक्टर में इंडस्ट्रियल सेक्टर अगर डेवलपमेंट देखने को मिलेगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट आपको वहां पर जनरेशन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। एंड दिस एग्रीमेंट वॉज साइन फॉर द फर्स्ट ऑफ टू सब प्रोग्राम ऑफ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम इच ऑफ ₹250 million। ओके, एंड दिस वॉज साइन ऑफ ₹250 million। ओके, एंड इन दिस दे विल सपोर्ट दिस नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके, सो दिस दिस लोन वॉज साइन बाई ADB, दैट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक। ओके, सो आज के लिए बस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, आपको हमारा अगर क्वेश्चन अच्छा लगा हो, तो प्लीज गाइज उन लोगों को शेयर कीजिए, उन एस्पिरेंट को शेयर कीजिए जो क्वेश्चन ढूंढते हैं, जिनको चाहिए। ओके, और थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टाटा।